हजारीबाग जिले के चौपारण में प्रशासन के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। बरही एसडीओ पूनम कुजूर ने कहा कि अभी अनुमंडल में धारा 144 लगा हुआ है, लोग शांति से होली को मनाएं, किसी से कोई शिकवा शिकायत ना रखें। वहीं बरही डीएसपी नाजिर अख्तर ने कहा कि अभी होली के साथ साथ शबे बरात भी मुस्लिम भाइयों का पर्व है, इसलिए लोग भाई बनकर शांति से पर्व को मनाएं। अगर किसी तरह की कोई सूचना मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी थाने को दी और पर्व को नशा मुक्त मिलकर बनाएं। हजारीबाग जिला ब्यूरो मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सभी को यही मैसेज देने के लिए कि बढ़िया से शांतिपूर्वक पर्व त्योहार मनाएं और अफवाहों से बचें। और दंगों से निपटने के लिए प्रशासन की किस तरह की तैयारी? हमारे और जितने भी फोर्सेस आई हैं सबका मजिस्ट्रेट फोर्स डेफिनेशन हो चुका है। हम लोग अपने तरफ से सारी तैयारी कर लिए हैं, बस एक अपील है कि अच्छा से त्यौहार को मनाएं। प्रशासन की हमेशा से प्रयास रहता है कि कोई भी पर्व त्यौहार हो और सभी मिलजुल के मनाएं और उसमें पुलिस और प्रशासन की भूमिका अहम रहती है और पुलिस हमेशा मुस्तैदी से काम करती है ताकि आमजन को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं हो और असामाजिक और शरारती तत्व कोई गड़बड़ी नहीं कर सके। इसी क्रम में आज हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला है कि जो लोगों में भरोसा हो आमजन में पुलिस और प्रशासन के प्रति ये उम्मीद रहे कि पुलिस प्रशासन की नज़र है। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि होली रंगों का त्यौहार है और शबे बारात भी है, तो लोग ये होली का त्यौहार है जिसमें सभी अपने पुराने लड़ाइयों झगड़ों और दुश्मनी को भूलकर लोग एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो हम पुलिस और प्रशासन सही पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील है कि लोग शांतिपूर्ण माहौल में सौहार्द के साथ अपना त्यौहार मनाएं। हम उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। अगर कोई किसी तरह की कहीं कोई सूचना मिलती है तो लोगों से अपील है कि तुरंत से तुरंत पुलिस को प्रशासन को सूचित करें। हम वहाँ पे कितना कंपनियां लगी है आपके? देखिए पुलिस का जो टीम है बरही में भी भारी संख्या में पुलिस फोर्सेज हर जगहों पे है और इसके अलावा आपका चौपारण में, बरकट्ठा में, गुड़हर में, परमा में सभी जगहों पे पुलिस जो है मुस्तैद है और काफ़ी संख्या में पुलिस है जहाँ जहाँ हमको जरूरत है। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की भी टीम हमारे पास है कि कहीं कोई गड़बड़ी होने पर हम त्वरित कार्रवाई। 144 अनुमंडल में लगा हुआ है, जैसे कि एसडीओ मैडम ने बताया, लॉ एंड ऑर्डर का है, उन्होंने कहा कि अभी 144 अभी भी लागू है बड़े पूरे अनुमंडल। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।